दोस्तों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं और आप धान की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपकी फसल में बहुत ही जरूरी होता है, आपकी फसल में जो धान के पौधे होते हैं वह स्वस्थ होने चाहिए और उन पौधों में अच्छी टिलिंग या अच्छा मेड़े का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी फसल में अच्छा मेड़ा या अच्छी टिलिंग होती है तो आपकी फसल में आपको प्रोडक्शन या पैदावार भी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आप अपनी धान की फसल से अच्छा प्रोडक्शन या अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी दवाइयों के बारे में जिससे कि हमारी धान की फसल में अच्छी टिलिंग हो, अच्छे पौधे हमारे होकर चले और हमें अच्छा प्रोडक्शन या अच्छी पैदावार लास्ट में देखने को मिले। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो लगभग सभी किसान साथियों की धान की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और इस स्टेज पर हमें अपनी धान की फसल का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसी समय पर हमारी धान की फसल में टिलिंग या मेड़े का विकास होता है। क्योंकि अगर आपकी धान की फसल में टिलिंग या मेड़े का विकास अच्छे से हो जाता है तो आपकी धान की फसल में पैदावार या प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत ही जरूरी होता है कि हमें ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में मेड़ा अच्छा हो या टिलिंग अच्छा हो। और इसी के साथ साथ हमारी धान की फसल में इस स्टेज पर कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे तनाछेदक और पत्ता लपेट सुंडी का अटैक आपकी धान की फसल में हो जाता है, जो कि आपकी धान की फसल में काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं, आपके पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं और आपके प्रोडक्शन में लगभग 20 से 25% तक का नुकसान इस कीट के वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें इस समय पर फ़ायदा मिले। तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट त्रिवेणी फर्टिलाइजर की ओर से ब्लैक जी के नाम से है। इसके अंदर आपको ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, अमीनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ साथ और भी अन्य तत्व देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल होने की वजह से यह आपके पौधों की जड़ों पर काम करता है, आपके पौधों की जड़ों को गहरा करता है और पौधों को मजबूती भी प्रदान करता है। जड़ें गहरी होने की वजह से जो भी आपकी ज़मीन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं उनको तेज़ी से ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। आपका पौधा तेज़ी से उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है और आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने में सक्षम बन जाता है। तो ब्लैक जी के 1 किलो के पैक का इस्तेमाल आपने 6 बीघे या फिर 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ आपने लेना है क्लोरएंट्रा निलीप्रियोल 0.4% GR, जो कि आपको दानेदार फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि आपकी धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट जैसे इंसेक्ट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और इसके अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और आपके पौधे हरे भरे हो जाते हैं, आपके पौधों का रंग काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इसके इस्तेमाल के बाद। और साथ ही साथ यह आपकी फसल में टिलिंग या मेड़े पर भी थोड़ा बहुत काम करता है। तो इसके इस्तेमाल के बाद आपकी फसल में लगभग यह 20 से 25 दिन तक इंसेक्ट को कंट्रोल करके रखता है। इतने दिन तक आपकी फसल पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता, तो आप इसका भी जरूर इस टाइम पे इस्तेमाल करें। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के पास यह टेक्निकल आपको देखने को मिल जाएगा। आपने किसी अच्छी कंपनी का टेक्निकल आपको लेना है या तो आप FMC कंपनी का फर्टेरा के नाम से आता है उसको ले सकते हैं, या फिर टाटा रैलीज कंपनी की ओर से गेटवे के नाम से आता है उसको ले सकते हैं, या फिर धानुका कंपनी की ओर से कवर के नाम से आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का ही आप इस्तेमाल करें। तो इन सभी का आपको 4 किलो का पैक मार्केट में देखने को मिलता है। 4 किलो के पैक को आपने 6 बीघे के लिए इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपको 1 एकड़ के लिए 4 किलो के पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 20 से 25 दिन की फसल पर अगर आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी फसल में टिलिंग या मेड़े का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा और आपकी फसल स्वस्थ होकर चलेगी। तो इन दोनों दवाइयों को आपने यूरिया के साथ मिला लेना है और उसके बाद आपने अपनी फसल में डाल देना है। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपने अपनी फसल में पानी को मेंटेन करके रखना है। आपको अपनी फसल में पानी देना जरूरी है, क्योंकि यह आपको फसल में तभी अच्छा काम करेंगे अगर आप अपनी फसल में पूरी अच्छी तरीके से पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। तो बात आती है यूरिया की मात्रा की, हमें यूरिया की मात्रा कितनी लेनी है। तो यूरिया आपकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी हाइब्रिड वैरायटी है तो आप यूरिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी वैरायटी वैसी है जैसे 1509 या फिर बासमती वैरायटी है तो आप अपनी फसल में यूरिया की मात्रा कम ही रखें। तो हाइब्रिड वैरायटी के लिए 9 से 10 किलो पर बीघे के हिसाब से आप ले सकते
सकते हैं। और अगर आपकी बासमती वैरायटी है तो उसके लिए आप 7 से 7.5 किलो पर बीघे के हिसाब से अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल करें। तो यही था आज की वीडियो में, कैसी लगे आपको ये छोटी सी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।